नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज्बाती हो उतने ही बदतमीज भी हो। मगर तुम्हारी खूबसूरत बीवी की वजह से आज हम तुम्हें माफ कर देते हैं। तुम तो ठीक 10 बजे अपने बीवी को सजा धजाकर मेरे पास। तुम्हारे मरने का अंदाज मुझे बहुत पसंद आया। तुम उस खौफनाक मौत से बच गए जो मैं चाहता था, मगर मुझे अफसोस है तो सिर्फ इस बात का कि तुम मेरे कैक्टस के पौधों के काम ना आ सके और ना ही तुम्हारी बीवी मेरे काम। गुड डे मिस्टर प्रकाश माथुर। दीपक शायद ये सदमा बर्दाश्त न कर पाए। मैं चाहता हूं बेटे जब वो यहां आए तो तुम वहीं रहना उसके घर। तो एक दिनों में जब वो मेंटली सेटल हो जाएगा तो हम उसे यहां ले आएंगे, वो हमारे साथ ही रहेगा। मुन्नी का दिल भी बहल जाएगा। क्या है हवलदार साहब, ये इंजन नंबर बगा 334 335। बगा 334। अरे पातर भाऊ, ये 20 रुपए तुम्हारा, वो लंगड़े का क्लेम। क्या नंबर बोला? 334 335 बगा 334। माचिस तेरे पास है ना? कल एक हीरो जैसे की बॉडी आई थी। अच्छा, उसमें से ये सिगरेट निकली 555। क्या नंबर बोला? 334 335 बगा 334 335। नहीं, मेरे भाई का नाम प्रकाश माथुर है। प्रकाश माथुर कुत्ते, इतना गुस्सा ठीक नहीं है मिस्टर। मुर्दे के नाम और नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। बिगु, कल सुबह मैं और तेरी भाभी दोनों 10 बजे की ट्रेन से बाहर जा रहे हैं। अभी तक वापसी की टिकट कंफर्म नहीं हुई है। ओके बिगु, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।
चाचू चाचू मम्मी पापा कहाँ गए? बोलो ना चाचू कहाँ गए? चाचू मम्मी से कहना मैं कभी शरारत नहीं करूंगी और चॉकलेट भी नहीं खाऊंगी, मम्मी का पाउडर भी नहीं लगाऊंगी, जल्दी सो जाऊंगी। तुम बोलेंगे ना चाचू? मम्मी पापा आ जाएंगे ना चाचू? आ जाएंगे ना? आ जाएंगे बेटा, तुम्हारे पापा मम्मी आ जाएंगे। आंटी जी मैं चाचू को पप्पी देके आऊं? जाओ बेटा। क्या हुआ मुन्नी? चाचू मैं आपको पप्पी देने आ रही थी। मुन्नी लगा तो नहीं ना बेटे? ज्योति इसे अंदर ले जाओ। चलो स्कूल जा रहा है ना बेटे, देर हो रही है, बस आने वाली है। हाँ रिकॉर्डिंग की रिकॉर्डिंग लाइट ऑन है। कुंडेचा एक ड्रग माफिया है, मैंने चिल्ला चिल्ला कर सबको कहा, मगर सच्चाई भी यह सबूत की बैसाखी पर चलती है और यह सबूत मिटाती जाते हैं, इसलिए मैं सबूत बनाकर जा रहा हूँ। तेरी भाभी को अकेला कैसे छोड़ देता वो अमीना? मैंने तेरी भाभी को भी अभी भी चाहे पिला दी है, जिसमें मैंने उसे जहर पिला दिया है। गुंडे चाक तुम जितने जज्बाती हो उतने ही बदतमीज भी हो, मगर तुम्हारी खूबसूरत बीवी की वजह से आज हम तुम्हें माफ कर देते हैं। तुम तो ठीक 10 बजे अपनी बीवी को सजाता जाकर मेरे पास तुम्हारे मरने का अंदाज मुझे बहुत पसंद आया। तुम उस खौफनाक मौत से बच गए जो मैं चाहता था, मगर मुझे अफसोस है तो सिर्फ इस बात का कि तुम मेरे कैक्टस के पौधों के काम ना आ सके और ना ही तुम्हारी बीवी मेरे काम। गुड डे मिस्टर प्रकाश माथुर। के नीचे आप जैसे कितने कायर लोग दब गए हैं, इसलिए मेरे भाई ने खुद मेरी भाभी के साथ मरकर मुझे ये सबूत दिया है। बेकार नहीं जाने दूंगा, कसम खाइए अंकल, कसम खाइए मेरी। और बताइए क्या आप इस आवाज को जानते नहीं है? किसकी आवाज है ये? किसकी? प्लीज अंकल बताइए कौन है मेरे भैया भाभी का कातिल, कौन है?
कुंडेचा की आवाज है ना ये? हाँ ये कुंडेचा की आवाज है। जान का क्या कर लोगे तुम? ये कुंडेचा की आवाज है। अरे उस दिन मैंने तुम्हारे भाई को समझाया था, आज तुम्हें समझा रहा हूं। कुंडेचा बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा आदमी, भूगोले से बड़े हाथी को भी अपने पैरों तले कुचल सकता है। अरे तुम तो छोटी सी चीटी हो, चीटी खत्म कर देगा वो। तुम उसे नहीं जानते, वो तुम्हें राग बनाकर कैक्टस के पौधों में छिड़क देगा। हाँ कैक्टस के पौधों में छिड़क देगा वो तुम्हें, कैक्टस के पौधों। हाँ कौन कौन है ये? कौन था ये? रॉबर्ट। कौन रॉबर्ट? रॉबर्ट हम सबकी मौत। अब जान गए ना, जाओ जाओ जाके कुंडेचा को मार डालो उसे। अरे अभी तो भाई की चिता भी ठंडी नहीं होने पाई थी कि हम सबकी चिता तैयार करा दी तुमने। वो तुम्हें मार डालेगा, मुझे मार डालेगा, मेरी बेटी को मार डालेगा, वो खत्म कर देगा कुंडेचा, हम सबको मार डालेगा, सबको मार डालेगा वो, सबको मार डालेगा, सबको मार डालेगा। अंकल होश में आओ, होश में आइए अंकल, रिलैक्स रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। आपको इसी बात का डर है ना कि रॉबर्ट कुंडेचा के सामने आपका पर्दाफाश कर देगा? पर्दा वो उठाएगा, तमाशा मैं करूंगा। कौन है तुम? मैं प्रकाश माथुर का भाई हूं सर। कौन प्रकाश माथुर? जिनकी पत्नी संध्या मेरी भाभी आपके बैंक में लॉकर इंचार्ज थी। ओह, वो जिन्होंने अपने पति के साथ जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी? हाँ मुझे पता है उन्होंने आत्महत्या क्यों की। मेरे पास सबूत भी है, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं, सिर्फ मेरी मुन्नी की वजह से। मुन्नी, मुन्नी मेरे भैया की आखिरी निशानी, इसे बहुत प्यार करता हूं। चाचू, मेरे भैया ने मरते वक्त इसकी परवरिश की जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी थी। लेकिन ये सब बातें तुम मुझे क्यों सुना रहे हो? कुंडेचा साहब, आपने कहावत तो सुनी होगी, बड़े से बड़े हाथी के कान में जब एक छोटी सी चींटी भी घुस जाती है ना, तो वो उस हाथी को मार सकती है। लेकिन लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि उस चींटी का हाथी के कान में पहुंचना उतना ही मुश्किल है जितना कि मेरा आप तक। तुम जितने जज्बाती हो उतने ही बदतमीज भी हो, मगर तुम्हारी खूबसूरत बीवी की वजह से आज हम तुम्हें माफ कर देते हैं। तुम ठीक 10 बजे अपनी बीवी की सजा दे जाओ। चाहते क्या हो? दे सकोगे? बोलो। जिंदगी, आप दोनों की जिंदगी। तुम
बेटा ये मगरमच्छ के आंसू थे, तुम नहीं समझोगी। चले। देखो पीछे आओ। जिंदी, उसे एक बार आगे लो ना। ये गई। चुप हो जा मुन्नी। ये अगर तू चुप नहीं होगी ना, तो एक हाथ मारूंगा तेरे को। कैसे मारोगे चाचू? आप तो इतनी दूर है। अच्छा बताऊं? बच गई। देंगा, सुने लगा। हे, हैं क्या? अपने आप को शाना समझता है, हाँ? मुंडेचा को तुमने बेवकूफ समझा है? डोंट मूव। कैसे सुनाता है? ओह ट्रांसफर। कम ऑन, कहता कैसे? अरे अब कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। दूसरा कैसे किधर है? किधर है? जल्दी कम ऑन, हाय अब। तुमने क्या किया? हाँ, रॉबर्ट को मार दिया। ये
कुंडेचा का दाहिना हाथ था। आज मैंने कुंडेचा का दाहिना हाथ काट दिया है। धीरे धीरे मैं उसकी गुनाहों की सरहद को तहस नहस कर दूंगा। इसके लिए आपको मरना होगा। आपकी मौत के साथ कुंडेचा की तबाही की शुरुआत होगी। पुलिस कमिश्नर से बात कर सकता हूँ?